18 जुलाई को राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों की एक महारैली हुई। इस रैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग उठी। इसमें अकेले मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इसे भील प्रदेश कहे जाने की मांग है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे ये ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं, ये मांग 12 सालों से उठाई जा रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, गुना समेत 13 जिले हैं। ऐसे ही राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत 12 जिले, गुजरात के अरवली, महिसागर, दाहोद समेत 14 जिले और महाराष्ट्र के नासिक, ठाणे समेत 6 जिले शामिल हैं। हालांकि इसमें हैरानी वाली बात यह है कि महारैली से ठीक पहले बीजेपी के दलित नेता मदन दिलावर ने माफी भी मांगी। दरअसल आदिवासियों के डीएनए टेस्ट करवाने को लेकर एक विवादित बयान दिया था और इसके बाद राजस्थान में तूफान खड़ा हो गया। यही कारण है कि आदिवासियों का मुद्दा राजस्थान की सियासत में बहुत अहम है। अगर सिर्फ राजस्थान की ही बात करें तो यहाँ 8 जिले आदिवासी बेल्ट का हिस्सा है और 25 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं और इन जिलों की कुल आबादी 92 लाख है। भील प्रदेश की मांग करने वाली पार्टी का नाम भारत आदिवासी पार्टी है और इसके सांसद राजकुमार रोत है। उनका कहना है कि आजादी के पहले से इस मुद्दे को लेकर कई आंदोलन हो चुके हैं। दरअसल 17 नवंबर 1913 को तब के राजस्थान गुजरात सीमा पर मानगढ़ पहाड़ियों पर बेजवारा जनजाति के समाज सुधारक नेता गोविंद गुरु के 1500 से अधिक भील आदिवासी अनुयायियों को ब्रिटिश सेना ने मार दिया था और इस घटना को आदिवासी जलियावाला हत्याकांड भी कहा जाता है। तब से मानगढ़ के आदिवासी इसे एक पवित्र स्थल के रूप में देखते हैं। भील प्रदेश की मांग पहले अलग अलग नामों से हुई, जैसे भीलस्थान, भीलखंड और झारभूखंड। वहीं 18 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में इसकी मांग उठी थी, लेकिन राजस्थान सरकार इसे केंद्र का विषय बताकर पल्ला झाड़ती नजर आई और यही कहना मध्य प्रदेश सरकार का भी है। हालांकि इस मांग का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे की और वीडियोस के लिए बने रहें आर भारत के साथ।